गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना ब्लॉग्स। मुंह बनाता हूँ ठीक है। सो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है हम दोनों से रिलेटेड। जैसे कि कालिया मेरे बारे में बताएगा, मैं कालिया के बारे में बताऊंगी कि मतलब मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि मतलब मैम आप इसके क्या लगते हो या ये मेरा क्या लगता है ना, आप सोच रहे हो हम आपको बताएंगे? नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो डिस्क्राइब करेंगे अभी आपको बताएंगे, आपको उससे खुद समझना पड़ेगा कि इनके में कितना प्यार है, हमारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सो गाइज आज का ब्लॉग होने वाला है हम दोनों की लाइफ से रिलेटेड, तो और हम दोनों की फीलिंग्स से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि राहुल का और मेरा इतना अच्छा बॉन्ड कैसे है, हम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, हम दोनों में मतलब कि इतनी ज़्यादा है ना, अभी हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम दोनों को बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को समझते हैं। फर्स्ट बात ये कि मुझे राहुल की सबसे अच्छी बात ये लगती है गाइज, मैं सवेरे उठती हूँ, कई बार मैं लेट भी हो जाऊँ ना तो ये दूसरे रूम में मुझे बुलाएगा, उठना नहीं है, टाइम कितना हो गया है, शर्म नहीं है, उठती नहीं है, क्योंकि इसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता मेरे बना। राइट? ओके राइट या नहीं? राइट राइट है ना। सो गाइज ये उठाता है ना, फिर उठने के बाद फिर जैसे कि मैं नहाती नूती ब्रश ब्रुश करती हूँ तो उसके बाद ये बाहर है ना जीरा पानी बना देगा, कभी मैं बना लेती हूँ, नहीं तो इसको पता है कि मैं क्या लेती हूँ सवेरे, जीरा पानी ले वगैरह, बादाम वगैरह भिगोए होते हैं, तो कई बार मेरे दिमाग से ना स्किप हो जाता है ना कि मैं भूल जाती हूँ, जिम में जल्दी जल्दी होती हूँ क्योंकि सर के मैसेज आते रहते हैं कि आए नहीं आए नहीं आए नहीं, है ना, क्योंकि सर सवेरे जब मैं जिम जाती हूँ तो वो सर जल्दी आते हैं मेरे घर के क्योंकि मैं उनसे ट्रेनिंग लेती हूँ। तो राहुल मैम बादाम नहीं खाए, बादाम नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा कल की बात है, हाँ कल की बात है, तो कल राहुल मेरे पास था तो मुझे मतलब कि उन्होंने जिम वाले सर का फोन मैसेज आ रहा था तो मैं फटाफट जाने लगी, ये पीछे से भाग भाग, मैम मैम आपने सेब नहीं लिया, सेब तो ले लो, तो मैंने बोला पकड़ा पकड़ा जल्दी, तो इसने सेब अच्छे से धो के मतलब कि इतनी केयर करता है मेरी, मतलब सेब वगैरह दिया है ना, अच्छे से दरवाजा दरवाजा बंद करके, मैं जब वापस आई तो अच्छे से इसने पूरा क्लीन कर रखा, झाड़ू पोछा सारा लगा रखा, आके फिर मुझे बोलेगा ओहो मैम आज दूध तो है नहीं क्योंकि मैं ओट्स खाती हूँ आके, है ना, दूध तो है नहीं, तो ये बंदा आते को अंडे भी उबाल के रखेगा, है ना, जब ये होता है, जब ये नहीं होता तब तो खुद करना पड़ता है, कभी कभी आलस भी आ जाता है मुझे तो अच्छे से पड़ेगा, है करना पड़ेगा भाई, तेरे बिना कौन करेगा। और तो इस करके हम बहुत ज्यादा अटैच है, मतलब कि ये सफाई वगैरह करता है, मतलब खाना वगैरह मेरे लिए मतलब पूछता रहता है मेरे को, है ना, तो कई बार मैं कमरे में होती हूँ ना तो एक एक घंटा मैं काम करती हूँ तो मेरे पास आता रहेगा कि क्या कर रही है, मैं देखूँ मैम क्या कर रहे हो, आपने खाना खा लिया, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि ये खाना लाता है, जैसे कि इसको पता है मैं खाना नहीं खाती क्योंकि मैं वेट लूज करने के चक्कर में, कुछ आपके लिए न्यू लाने वाली हूँ मैं आगे, इसीलिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो गाइज आई होप कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ तो आप मुझे इतना प्यार दोगे, तो जैसे कि मैं जब जब भी मतलब ये खाना लेने जाता है ना मैं इसको बोलती हूँ जा मुझे स्कैनर भेज दूँ भी पेमेंट कर दूंगी वैसे, तो खाना लेके ना सबसे पहले ये मेरे पास लेके आता है, मैम खाओ खाओ एक रोटी खाओ, आप खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा, मतलब हमेशा इसने हमेशा खा लो खा लो खा लो जबरदस्ती। और कल गाइज इसने इसने मेरी डाइट खराब कर दी, कल इसने मेरी डाइट खराब कर दी, क्या लेके आया था बता जनता को, और मैंने मना भी करा फोन पे तब भी, क्या लेके आया था बर्गर, और मैंने मना करा और फिर सामने से मैंने सोचा आधा खाऊंगा, मुझे लगा नहीं लगता ना, मैं रोटी खा रहा आप देखते मैं बर्गर ले जाता हूँ इनके लिए, मैं अच्छा तेरे बोलने का मतलब मैं तेरी थाली में झांकती हूँ, मैं तो कोई नहीं झांकती तेरी थाली नहीं लगता, रोटी तो आप खाते नहीं हो, हाँ तो ये बर्गर ही खा लेते, तो इससे अच्छा रोटी ना खा लो, वो अच्छी है कि वो अच्छा है, बाहर कुछ भी खाओ मुझे नहीं। सो गाइज ये ऐसे नाराज भी हो जाता है, हमारी लाडो रानी नाराज भी हो जाती है। सो गाइज ऐसा है कि मतलब केयर करना, जैसे कि रात की बात हो है ना कि जैसे मुझे कई बार ना 9-9, 10-10 बज जाते हैं, मतलब आप मानोगे नहीं गाइज कि मतलब जब हमने स्टार्टअप करा है ना इसका काम का, इसको पूछो राहुल गवाए है ना, राहुल हम धूप में भी वीडियो बनाते थे, हमारे पैरों में छाले पड़ जाते थे, तो कोई ऐसे भी हमारे मतलब आप देखना हमारी रील्स में ऐसे होते थे जिसमें जूते खोल के है ना घास में चलना, तो कई बार पत्थर लग जाने मेरे पैर में इसके, और ये पहले ना बहुत शर्माता होता था कि वो देख रहा है वो देख रहा है वो, पर सीरियसली टचवुड 100 बंदों के सामने भी इस बंदे को अगर मैं डांट दूं ना एक्टिंग कर तुझे एक्टिंग नहीं आती करने, तो ये बंदा ऐसा था कि नहीं शर्म, कभी इसने मेरे को जवाब नहीं देना उसमें, वैसे ब्लॉग में तो आपने देखा होगा जवाब देता है, तो देता है कि नहीं, कभी इसने मेरे को जवाब नहीं देना, इसकी इतनी अच्छी मतलब केयर करता है सब कुछ, इतना ज्यादा अच्छा मेरा बॉन्ड इसीलिए है इससे, और कोई भी इसकी खुशी हो या कोई कपड़ा ले कोई भी चीज ले है ना नवी, वैसे तो मैं ही दिलवाती हूँ, सर 2 मिनट फोन बंद कर दीजिए, ये इसकी सबसे गंदी आदत है, और जब भी इसको कोई सीरियस बात बोले ना ये यही काम करेगा, सामने देखा करो जनता आपको यहाँ देख रही है,
सामने देख रही है जनता तो ये इसकी कुछ चीजें, इसीलिए हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है कि मतलब केयर। अब जब मैं आई है ना, जैसे कि मैं जिम के बाद, उसके बाद शाम को मैं एकेडमी जाती हूँ ना, जब मैं एकेडमी से आई है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हंसता है चेहरा इसका, आएगा दरवाजा खोलेगा, पानी पियोगे, ग्रीन टी पियोगे, जिम से आके मुझे ग्रीन टी देनी, इसकी बातें बहुत मुझे अच्छी लगती है। इसकी बुरी बातें भी हैं बहुत, वो बताएंगे जल्दी। आपको मेरे में कुछ अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है, तुम भी अच्छे लग रहे हो, और क्या बात, अच्छी लगेगी, आप भी अच्छे लगते हो। मैं कभी तेरी केयर नहीं करती। हाँ करते हो, इतनी केयर कोई नहीं करती इतनी आप करते हो, जैसे हिसाब से केयर कर रहे हो ना, हाँ जैसे आप सब, मेरे घर से आज दिन ही जाऊँगा और क्या करूँगा। हाय, मगर तेरा बोलने का मतलब ये कि मैं ज्यादा एक्सेस में खिला रही हूँ तेरे को, जिससे जिससे तू मरने वाला हो रहा है। अरे नहीं, फिर सही कर रहे हो, खैर क्या कर रही हूँ, केयर बता। सही कर रहे। प्लीज, जनता को मजाक बहुत हो गया, हाँ सीरियस व्लॉग जी, बना रही हूँ मैं। हाँ जी, नहीं हाँ, आप तो हाँ जनता को आप ये बताओ, आपको मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैं इतना करती हूँ, अच्छे लगते हैं क्या लगती है मैं आप। जानना चाहती हूँ, हाँ बता रहे हैं, जनता के सामने बताएंगे। बताइए। आप जाते हो, आप बोलते हो दूध फ्रिज में रखा है, अंडे रखे, उबाल उबाल के खाओ, हाँ रोटी रखी है, सब कुछ रखा है, तो ये बात बहुत अच्छी लगती है भाई। आगे से और ज्यादा लेके आ जाए करेंगे फिर, तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम्हारे लिए हर कुछ करेंगे ना। इतना भी ना करो ना भाई, तो कभी मैंने इसको खाने के लिए नहीं मना नहीं करा, पैसे के लिए मना करा था, नहीं करा था। मुझे लगा करा था पैसे के लिए, नहीं कब मना करा पैसे के लिए, पैसे कभी नहीं के मैं मना करती, चाहे 100 मांगे, 200 मांगे, 1000, कभी घर वालों का भी फोन आ जाता है, कभी मैंने मना करा, मैं कभी मना नहीं करती हूँ। सो गाइस, ऊपर ऊपर देखो ना, ऊपर देख के ब्लॉग में बात करो, ये इसकी ऊपर। आदतें हैं। फिर आप गाइस बोलते हो डेली ब्लॉग बनाओ, कहां से बनाऊं, आधा माथा खा जाता है मेरा गाइस। मतलब ये हमारी बहुत सी मतलब अच्छी सी चीजें, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, इस करके हम इतने ज्यादा अटैच है, हम दुख में भी सुख में भी साथ। अगर मुझे कोई परेशानी होती है ना, तो मैं आती हूँ ना राहुल राहुल ये सोया होता, राहुल ऐसा होगा, टेंशन होगा, तो कभी बार ये सोया होता तो चिढ़ जाता है, अपने रूम में जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। तो ये ऐसे चिढ़ता भी है मेरे से बहुत ज्यादा, है ना। तो भाई बंदे को गुस्सा दबाओगे तो बंदा तो चढ़ेगा, और क्या। गुस्सा के बाद जब सोया होता है तो तुझे 24 घंटे सोने का। गाइस अभी भी आई हूँ तो सो रखा अंदर, तेरे को पता नहीं ग्रीन टी बनानी है, और का नाचो ना मैं। ग्रीन टी क्यों बनाई तूने मेरे हाँ लिए। नहीं गाइस बना देता, अगर मैं इसको उठाती हूँ आज लगाऊ ना, तो ये बना देता है ग्रीन टी वगैरह भी सारा कुछ। और कुछ आपको कोई मेरी अच्छी बात लगती हो, बुरी बात लगती हो वो भी बता दो, नहीं बुरी कोई नहीं लगती है, लग जाएगी तो बता देना, तभी और मैं मेरे से पूछू बुरी बातें। बता दो। आजकल इसने नवे फ्रेंड्स बनाए हैं गाइज यहाँ पे, रात को ये बाहर से मुझे कुंडी लगा के चला जाता है, 2 घंटे ठुल्लू नवार 2-2 घंटे बाद आता है, अच्छे काम करने जाता है, अच्छे काम है ना, घूमने फिरने जाता है, घूमना फिरना चाहिए तो पूरे अच्छे। दिन तक इस जेल में बंद थोड़ी रहना चाहिए बंदे को, मैं पूरे नहीं रहती तुम्हारे तो आज पड़ रखे है जेल में। भाई, अंदर रहना सीखो, बाहर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, अंदर रह के देख तू कितना गोरा हो गया, ये चीजें कितनी गोरी होगी तेरी, देख लगा दी नजर, पड़गो छत, पड़गो तेरे को छत, तो नजर लगाऊंगी, तू तो मेरा नजर, बट तू मेरे साथ घूमता क्या है, अब काला हो जाऊंगा देखना कल कल ही। इससे काला हो जाएगा जो मैंने पहना है, इससे भी बहुत काला हो जाऊंगा, दिखना बंद हो जाएगा। और चल अच्छी बात है, वैसे भी तेरे को देख के बोर होगी मैं। अरे मतलब ऐसे हम हंसी मजाक ये वो फनी फूनी करते रहते गाइज, हमें नहीं समझ आता हम कौन कौन से ब्लॉग और नवे बनाए, तो आप उसमें हमें कमेंट में बता दे करो कि नेक्स्ट ब्लॉग इसमें बना। लोग कहते हैं प्रैंक करे तेरे साथ, प्रैंक ये करे कि मैं तेरे को बोलूं कि तू मेरे घर से निकल जा भाई और मैं तेरे साथ रिश्ता तोड़ दूं, लोग बोलते हैं ऐसा प्रैंक करो राहुल पे, करूं कि नहीं करो, और है। अब तो मैं तुझे बता ही दिया, अब तो तू मैं सीरियस भी बोलूंगी तो भी तू मजाक भी लेगा। सो गाइज, इतनी हमारी अच्छी सी बातें हैं जो हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, हम काम करते हैं साथ में गाइज। कभी इसकी और भी अच्छी बात यह है कि कभी मेरा मतलब माइंड सेट ना हो, मैं थकी हूं या कुछ, है ना, क्योंकि बंदा जब डाइट वगैरह कम करता है या कुछ भी ऐसा ना, तो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो थोड़ी मैं कई बार चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ ना, तो ये मेरे को बहुत प्यार से बोलता है, मैडम वीडियो बनाए, रील्स बनाए, ब्लॉग। जैसे आज मैंने रील्स नहीं बनाई थी तो मुझे कहता है एक ही बनाइए, 2-4 और बना लो, मुझे रील्स भेजता है, इस पे बनाएंगे इस पे बनाएंगे, ऐसे हम मिल बांट के काम करते हैं गाइज हमारा। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो, अच्छे लोग जो कमेंट करते हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच, जो बुरे लोग कमेंट करते हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, ना ना ब्लॉग उनके तो लिए देखते हैं। तो ब्लॉग देखते वैसे वो गलत नहीं बोलते हैं किसी, देखा, गलत नहीं बोलते किसी को, सुन लो, जो बुरे और कमेंट करते हैं गलत नहीं बोलते किसी के, ठीक है, सही बट कमेंट करो ना यार भाई, हाँ बताओ आगे से आपके लिए, आप बोलेगा ऐसे ब्लॉग नहीं है। हाँ हमें कमेंट में बताओ कि हम कैसे ब्लॉग बनाएं। सो गाइज, ये हफ्ते में 2 दिन ही आता है मैक्सिमम, ये बिजी होता है, इसकी बिजनेस है 3-4, यू नो,
तो तीन चार बिजनेसों में ये बिजी होता है। सो गाइस आज एक बिजनेस में घाटा लग गया। कौन सा? वो पीछे वाला घाटा लग गया। कौन सा घाटा लगा? बस लग गया, ज्यादा नहीं 15,000 तक का घाटा है। लगी जान दे, मैं मेरे को पता है अगर घाटा मैं पूछूंगी तो मुझे हरजाना भरना पड़ेगा, इससे अच्छा तो लगने दे घाटा। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना सी प्यारा सा छोटे से ब्लॉग बनाया करेंगे, धीरे धीरे हम आपको अपने बारे में बताएंगे और मेरे इंस्टा पे अगर आप मिलियन कर दोगे तो हम अपना रिलेशन भी रिवील करेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे बता देंगे। सो गाइस ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बोलो ब्लॉग बढ़िया लगे लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब सरप्राइज सरप्राइज करें इसको। हाँ। सरप्राइज करें। ओके गाइस बाय बाय, लव यू।